जी तो अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये छोटा सा क्लिप मैंने इसलिए ऐड करना था, ऐड नहीं करना था, रिकॉर्ड करना था कि दोस्त आ रहा है गांव से, उसे पिक करने जाना है। मुझे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया उसका वेट करते हुए कि वो, अब उसकी कॉल आती है कि जी मुझे पिक करने आ जाए स्टॉप से। एक तो सर्दी इतनी, दूसरा मैंने यूनिवर्सिटी से आगे चेंज भी नहीं किया अभी तक ना, कि चेंज कर लूँ मैं आके। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैंने शूज़ वगैरह उतार दिए तो सर्दी में मुझे दोबारा पहनने पड़ेंगे, फिर उसे मुझे लेने जाना पड़ेगा। तो मैं सोचा था वो एक दफ़ा आ जाए तो फिर ही मैं फ्रेश होता हूँ। अभी उसे मैं रिसीव भी करना है, फिर उसके बाद जिम भी जाना है। बाय द वे जिम भी जाना है, अभी उस वो आया कोई नहीं है। जिम भी जाना है, जिम नहीं गए तो ट्रेनर ने हमें कोई ना कोई प्लान्टी डाल लेनी है। प्लान्टी में उसने कहना है कि जी भी दर्जन केले ले आओ या दर्जन अंडे ले आओ। उस चीज़ से बचने के लिए तो ज़रूरी है कि हमें जिम जाना पड़ेगा। और दूसरी इरीटेटिंग चीज़ ये है कि हमारे बॉडी थोड़े से ना हिले हुए हैं, उसकी रीज़न ये है कि वो ज़रा स्ट्राइक नहीं है। वो सारी दिहाड़ी इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं। दूसरा उनके बच्चे ऐसे हैं जिस तरह रेवड़ नहीं होता बकरियों का, पता नहीं कितने बच्चे हैं उनके, और रोते इतना बेहुदा है कि बच्चे रोते हैं। यार कि बच्चा रो रहा है, ठीक है बच्चा रो रहा है तो चुप हो जाएगा, करवा लेंगे घर वाले चुप, लेकिन वो अल्लाह की कसम इतने बुरा रोते हैं, बंदा देख के ना कानों में पड़ दी होती कि यार अल्लाह ये क्या बच्चे हैं, क्या रो रहे हैं, इन्हें रोना भी नहीं आता, कम से कम रोना तो आता हो ना इनका। एक तो वो शोर करते हैं उसका अलग से इशू, ठीक है, और दूसरा इशू ये कि उन्हें रोना नहीं आता। स्ट्राइकी है ना, सारा दिन वल साई किथे, वल साई किथे, वल साई की करे, सानू सराय की आंदी कौन ही भाई, सीधी जी चढ़ी गल है। पंजाबी सानू समझ आ जाती है तो उर्दू भी सानू समझ आ जाती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश सानू आ जाती है समझ, तो असं बोल भी ले दी टूटी भुजी। तो उस तो अलावा जड़ी साड़ी अपनी मदर लैंग्वेज कह लो कि कास्ट जो हमारी है, मेवाती कास्ट, मेवात से बिलोंग करते हैं मीडिया वाली साइड से ना, तो ये मसले मसाइल हैं। अभी जिम जाना है, जिम जाना ज़रूरी है, बल्कि मैं जाऊंगा ना जिम, जाऊंगा तो मैं क्लिप ऐड करूंगा। दोस्त मेरा आ जाए तो मेरी जान छूट जाए, सर्दी लग रही है, देखें कुछ नहीं पहनूंगा। बाय द वे ये वीडियो के चक्कर में मैंने हुडी उतार दी अपनी, अदरवाइज शर्ट चेयर पे ये झूले ले रहे हैं हम बैठ के दोस्त की कॉल आ जाए कि जी आ जाए मुझे लेने, पिक करने आ जाए, लेकिन अभी तक तो उसकी कॉल नहीं आई कि मुझे पिक करने आ जाए। और खैर बोर भी हो गए हैं हॉस्टल में, चार लोग हैं, दो लोग घर चले गए हैं, एक इधर ही है वो ऑफिस गया हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी से टाइम से आ जाता हूँ, 4:30 के राउंड अबाउट में आ जाता हूँ। और यही है, कमरे में दीवारें देखना ज़रा, बंदा खुद पागल होने लग जाता है कि यार कब तक इनकी गुआंढियों की सुनेंगे, या शीशे पे कब तक अपनी शक्ल देखेंगे। 3 दिन हो गए बाय द वे, संडे को मैं गांव से वापस आया था, और अकेले बंदा जिस तरह खुद से भी बंदा कितनी को बातें करे, मुझे ये बताएं कितनी बातें करे, याद होना बंदा को लड़की शड़की को मैसेज करे, हेलो आए करे, जानो मानो वाली बातें करें, वो वाला सीन भी हमारे पास नहीं है भाई। सादा से लोग हैं, चढ़े लोग हैं हम तो, यही एक दूसरे के साथ तो यूनिवर्सिटी में टाइम गुजर जाता है। इधर शाम को आते हैं, जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद खाना खाया, थोड़ा लैपटॉप यूज़ किया या मोबाइल यूज़ किया, ऐसे भी गुजर जाता है मंडे टू फ्राइडे। और वीकेंड पे घर चले जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे ये घर होते हैं हमारे। और ये छोटा सा क्लिप था हमारा। वैसे अब मैं दोस्त को पिक करता हूँ और उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। आज जिम गया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर क्लिप ऐड करूँगा इस वीडियो में। अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं जिम जाऊँगा, अगर मैं जिम गया तो मैं ज़रूर पिक्चर्स या छोटे से क्लिप वगैरह ऐड करूँगा मैं कि ये हम जिम पहुँच गए। बेसिकली करने को कुछ था नहीं, क्या करें यार, थक जाते हैं, अकेले
फिर चुप रह रहे के भी ऐसे लगता है पता नहीं हम गूंगे हैं बह रहे हैं कि ना किसी से कुछ बोलना ना सुनना। अब वो आ जाएगा, कम से कम थोड़ा हौसला रहेगा, कुछ वो मुझे सुनाएगा, कुछ मैं उसे अपनी सुनाऊंगा, तो वो ज़रा काम चल जाएगा हमारा। तो इंशाल्लाह जिम जाके मिलते हैं, शायद उसकी कॉल आने वाली है, मैं खुद उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ तो कि कहाँ तक पहुँच गए भाई, और इंशाल्लाह जिम जाके मिलते हैं। तो लेट्स गो जिम। आज का वर्कआउट तो मतलब तो